नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गांव किसान में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी हुई जानकारियां तीन सेगमेंट खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान के जरिए लेकर आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। खेती किसानी में आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट के बारे में। NDRI साउथ जोन के पशु विशेषज्ञ ने हमें जानकारी दी कि वर्मी कंपोस्ट किस तरह से तैयार किया जा सकता है और खेती में इसके इस्तेमाल के क्या कुछ फायदे हैं। आइए देखते हैं। सभी किसान भाइयों बहनें, हम सभी जानते हैं गाय से दूध मिलता है, दूध छोड़ के हमें गोमूत्र है, उसको गोबर सभी मिलता है, उसी से हम लोग वैल्यू एडिशन करके उसको हम लोग खाद बन के बहुत लाभ भी उठ सकता है। हम सभी जानते हैं आजकल तो फार्मर्स को इनकम जो होता है उसको डबलिंग करने के लिए हमारा प्रधानमंत्री का इच्छा है, उसको एक तरीका है। हम लोग जितना जो वेस्ट है उसी से हम लोग वेल्थ बना सकते हैं, उसको हम लोग इतना अच्छे से यूज़ करके हम लोग वैल्यू एडिशन करने से और भी दूध छोड़ के उसी से जो लाभ मिलता है इसी से भी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक लाभ मिलने के लिए बहुत मौका है। इसलिए मैंने हमारा संस्थान में जो सदर्न कैंपस NDRI में है, हम लोग गाय का पशुशाला रखा है, इसमें हम लोग दियोनी कैटल है, मलनाड गिड्डा का ब्रीड है, होल्स्टीन फ्रीशन का ब्रीड हम लोग मेंटेन करते हैं। कम से कम हमारा जो संस्थान से जो पशुशाला से हर दिन में हम लोगों को 2.5 टन से 3 टन तक हम लोग को कच्चा गोबर मिलता है। सो उस गोबर को हम लोग लेके वो जो केचुआ को खाद बोलते हैं, दैट इज़ वर्मी कंपोस्ट हम लोग बोलते हैं, उसको बनाते हैं। सो वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, उस जो गोबर कच्चा गोबर है कम से कम वो 3-4 दिन से लेके मैक्सिमम 7 डेज तक उसको क्यूरिंग करना चाहिए, क्योंकि वो कच्चा गोबर में हम लोग केचुआ छोड़ने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होता है उसी की वजह से वो केचुआ मरने का बहुत चांसेस है, इसलिए उसको पहले कम से कम 7 दिन तक उसको क्यूरिंग करना चाहिए। उसके बाद वो गोबर को लेके हम लोग जो मेडी में और जैसे आप लोग तो चैम्बर बना के और जैसे ज़मीन में जिसके बाद फैसिलिटीज़ नहीं है, जो प्लास्टिक सीट बना के उसको ऊपर भी मेडी बना के उसमें हम लोग जो लेयर बाय लेयर जो जितना वेस्ट है, जो पत्तों का वेस्ट है, जो ड्राई वेस्ट है और गोबर को लेयर बाय लेयर उसको ऊपर डाल के हम लोग केचुआ छोड़ सकते हैं। सो कम से कम वो जो केचुआ बोलते हैं हम लोग आइसिनिया फिटिडा यूडलेस यूजिनिया, ये दो केचुआ बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट केचुआ है, जो जल्दी से जल्दी वो गोबर को खा के वो खाद बना देते हैं। सो इसके बाद वो जो गौत कम से कम वो केचुआ छोड़ने के बाद मैक्सिमम आप 40 दिन से 50 दिन तक उसको हम लोग वेट कर सकते हैं। जो ये केचुआ का जो हैबिट है वो रात को सुबह शाम होने के बाद वो केचुआ पूरा ऊपर आता है, वो जो गोबर का ऊपर में ऊपर आके रात भर पूरा जो गोबर को खा के जो निकलता है वो पूरा बहुत अधिक पोशाक से हम लोग खाद बन जाता है जो गोबर है, इसीलिए उसको लेके बहुत हम लोग फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। वो हमारे खेती के लिए, फूलों को पेड़ के लिए, हमारा जो सब्जियों का पेड़ के लिए बहुत बड़ा प्लांटेशन क्रॉप्स बोलते हैं कोकोनट, सभी पेड़ों के लिए, सब सारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कच्चा गोबर से और सूखा वाला गोबर से ये हम लोगों का वर्मी कंपोस्ट जो बनाते हैं उससे हम लोग बहुत पोषक न्यूट्रिशन मिलता है, वो जो ज़मीन में भी उसको ताकत बढ़ जाता है, जो प्लांट जो बोलते हैं जो जो हम लोग पैदा मीन जो प्लांट है हम लोग वेजिटेबल्स का है, जो प्लांटेशन क्रॉप्स है, जो ज़मीन में जो भी प्लांट उगाते हैं उसके लिए भी बहुत ताकत मिलता है, बीमारियों से भी लड़ाने के लिए भी बहुत अच्छा ताकत प्लांट के मिल जाता है। ये हम लोग जो खेत को आजकल तो बहुत जगह में बेचते हैं, तो मैक्सिमम 8 रुपये से लेके 15 रुपये तक बेचते हैं, फार्मर्स इसको फ़ायदा उठा के इसको आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा एक मैं बताना चाहता हूँ, जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उसको वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं। जो वर्मी कंपोस्ट जो खाद मिलता है उसको हम लोग कंसर्शियम ऑफ माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म जो जो कीटाणु बोलता है, जो बेनिफिशियल कीटाणु है वो भी उसके साथ मिला के हम लोग और भी ज़्यादा पैसा वैल्यू एडिशन करके ज़्यादा पैसा में हम लोग बेच सकते हैं, वो बेनिफिट भी हम लोग को मिलेगा।
तो आजकल दूसरा एक जो गोमूत्र को भी हम लोग स्प्रे कर सकते हैं डेली। तो जब वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उसमें हम लोग को मॉइस्चर लेवल कम से कम 60-70% मेंटेन करना चाहिए। उसके लिए हम लोग पानी डेली स्प्रे करना चाहिए उसके ऊपर। वो पानी स्प्रे करने के बाद जो पानी है वो वर्मी कंपोस्ट से नीचे थोड़ा सा निकल जाता है, उसको हम लोग वर्मी टी बोलते हैं। सो वर्मी टी भी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बहुत अच्छा खाद का होता है, उसको भी लेके हम लोग बेच सकते हैं। वो बॉटल में आजकल तो मिलता है बहुत जगह में, जो किसान का जगह में एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड जो जगह में दुकान होता है उन लोग से हम लोग लेके फ़ायदा उठा सकता है, उससे भी हम लोग को पैसा मिलेगा। जो वो वर्मी टी बोलते हैं वो वर्मी टी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है बॉटल में, उसको हम लोग पानी के साथ मिला जैसे हम लोग स्प्रे करते हैं उसी तरह सारा पौधों में जो प्लांट में एग्रीकल्चर फील्ड क्रॉप्स में वेजिटेबल्स में हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। इसीलिए वो आगे बहुत अच्छा बीमारियों से लड़ाई करने के लिए वो अच्छा ताकत मिलता है सभी प्लांट्स के लिए। सो दूसरा मेन एडवांटेज है, आजकल सभी लोग जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के पीछे हमारा देश का प्रधानमंत्री सभी एग्रीकल्चरल मिनिस्टर सभी जगह से हम लोगों को मैसेज मिलता है हम लोग को जो केमिकल फर्टिलाइजर को रिड्यूस करना चाहिए, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना है। ये ऑर्गेनिक फार्म कहाँ से मिलेगा, सब चीज़ हमारा नेचर में जो अवेलेबल है जो अच्छा वो खाद बन सकता है उसी से हम लोग फायदा उठाना चाहिए। कार्यक्रम गांव किसान में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखेंगे हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हम दर्द होते हैं हम, और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। हमारा पशुधन सेगमेंट में आज हमें NDRI साउथ जोन के पशु विशेषज्ञ बताएंगे कर्नाटक के देसी नस्लों के गायों के बारे में। तो आइए जानते हैं इन गायों की क्या खूबी है और कैसे इनकी देखभाल की जा सकती है जिससे आपको अधिक लाभ हो सकता है। छिंद राज्यों के नस्लों के जो पशुओं के नस्लों के संवर्धन और उनका उनका इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी काम कर रहा है। हमने करीब 2001 साल में देवनी नाम की जो एक नस्ल है जिसे हम ड्यूअल पर्पज़ ब्रीड बोलते हैं उसको यहाँ लाया और बहुत ही उसके दिशा में उसका जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए तब से हम लोग कार्यरत है। हमने देखा है कि पिछले 18-19 साल में इसमें बहुत ही प्रगति हुई है। जो जो पहले इनका एवरेज मिल्क प्रोडक्शन बोलते हैं उत्पादन 600 से 700 किलो हुआ करता था, अभी हमारे पास उनका एवरेज प्रोडक्शन 900 से करीबन 1000 तक है। और बहुत से ऐसे एनिमल्स हमने देखे 15-20 एनिमल जिनका प्रोडक्शन 1500 से ज़्यादा भी है। तो ये जो हमारा योगदान है इस ब्रीड का डेवलपमेंट में, क्योंकि इसके साथ साथ ब्रीड के आते ही हमने न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन जेनेटिक्स ब्रीडिंग इन सभी विषयों के प्रबंधन में काफ़ी संशोधन किया और पाया कि किस तरह से इस ब्रीड का जो उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। और उसके बाद पिछले 3-4 साल पहले हमने एक यहाँ की कर्नाटका की एक ब्रीड है जिसको हम लोग बोलते हैं मलनाड गिड्डा, उसको भी यहाँ लाया है। और इस ब्रीड को हम लोग इस ब्रीड को जनरली कहते हैं एक छोटी ब्रीड है, एक छोटी मतलब गोट के समान दिखने वाली ब्रीड है। कोई भी कोई इसको ब्रीड को उस जो रीजन है जो मलनाड रीजन है वहाँ के जो किसान भाई इस ब्रीड को बहुत पसंद करते हैं। और इस ब्रीड का नस्ल का 2012 तक इसको नस्ल करके नहीं कहलाया जाता था, लेकिन हमारे क्षेत्र ने हमारी संस्था ने इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए एक प्रोजेक्ट के अंडर में इस ब्रीड को रजिस्टर करवाया। इस नस्ल को NBHR नाम की जो एक संस्थान है करनाल में वहाँ इसका रजिस्ट्रेशन करवाया और उसके बाद इसको नस्ल का दर्जा मिला। और उसके बाद हमने फिर इसका जो
बुल्स को लाके यहाँ उनका सीमेन कलेक्शन करके वो जो राज्य सरकार को दिया, जो वो अपने जो जो रीजन है वहाँ उसको यूज़ कर रहे हैं। और फिर हमने अभी जो फीमेल्स भी लाई है, काउस भी लाई है यहाँ, और पिछले 3 साल से हम यहाँ रख रहे हैं। और हमारी जो कोशिश होगी, अभी जो इनके बारे में हम कहते हैं कि छोटी ब्रीड है, मिल्क ज़्यादा नहीं मिलता है, 2 से 2.5 किलो मिलता है, वजन भी इस ब्रीड का ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो इसकी खासियत है कि इसका जो दूध की जो क्वालिटी है ये बहुत ही अलग है। इसमें हमने हमारे जो वैज्ञानिकों ने इस पर संशोधन किया और पाया है कि इसमें जो एक लैक्टोफेरिन नाम का कंटेंट है बहुत ज़्यादा है, जो कि ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए छोटे बच्चों को अगर देते हैं तो ये बहुत कारगर साबित होता है। और उसके साथ साथ ये कुछ बीमारियाँ है उसमें, जहाँ जो लोकल प्रैक्टिशनर्स है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है, वो हमेशा रिकमेंड करते हैं कि मलनाड गिड्डा का दूध पिलाया जाए। तो उस दिशा में हम लोग और इसमें संशोधन कर रहे हैं कि इसमें क्या खासियत है, क्या कौन से ऐसे तत्व है जिनको और ज़्यादा मतलब बढ़ावा दे, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिले और इस ब्रीड का जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोगेशन हो। तो उस दिशा में हमारे संस्थान कार्यरत है और हमें उम्मीद है कि हम जो कदम उठा रहे हैं उसका लाभ जो किसान भाई है, जो इन एनिमल्स को रखते हैं, इन ब्रीड्स को रखते हैं, जो देसी नस्लें हैं देवनय और मलनाड गिड्डा, इससे हमारे संशोधन से उनको लाभ मिलेगा और उनको अपने जो मिल्क के लिए उनकी जो खासियत है, जो उनके जो तत्व है, अलग से तत्व है, हम कहते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी है। अगर हम जो क्रॉस ब्रेड के मिल्क से अगर दूध से उनका तुलना करते हैं तो उनको हम लोग साइंटिफिकली प्रूव करना चाहते हैं। और अगर वो हम उसको प्रूव कर देंगे तो हमारे जो किसान भाइयों को उसका जो दाम है उनसे ज़्यादा मिलेगा और उनकी जो उनसे जो उनको इनकम मिलता है वो उसमें उनको बढ़ोतरी मिलेगी। तो इस दिशा में जो हमारा दक्षिण क्षेत्रीय केंद्र है कार्यरत है, हमारे सारे जो वैज्ञानिक इसमें जुटे हुए हैं और इस हमें जल्दी ही बहुत अच्छे परिणाम मिलने की प्री हमें मंशा है हमारी। दुधारू पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है मौसम के अनुसार बेहतर पशु प्रबंधन। तो आइए जानते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुपालक कैलेंडर अक्टूबर माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है, अतः पशुओं को सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। मुहपका, खुरपका रोग, गला घोटू रोग या फड़किया रोग के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते टीके लगवा लें। अधिक चारा लेने के लिए बरसीम फसल की उन्नत किस्मों की बिजाई इस माह अवश्य कर लें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाह्य परिजीवी से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। परजीवी और कृमि नाशक दवा देने का उपयुक्त समय है। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कामयाब किसान की दास्तान। आप बने रहें हमारे साथ। रफ्तार के साथ मौसम के बदलाव की हर खबर, मौसम खबर लाइव देखिए सुबह 8 बजे और 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए अब देखते हैं कामयाब किसान की दास्तान। जी हाँ, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर, साथ ही कृषि विशेषज्ञों के सलाह के मुताबिक खेती करके कृषि जगत में सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। आइए मिलते हैं ऐसे ही एक किसान से और जानते हैं इनकी सफलता की दास्तान। मैं यहाँ जैविक खेती कर रहा हूँ 2.5 एकड़ के अंदर। इस फॉर्म को 6 साल से मैं डेवलप कर रहा हूँ। रासायनिक पहले खेती होती थी यहाँ, उससे कन्वर्ट करके हम जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक जो पारंपरिक खेती होती है, गोबर गोमूत्र और अग्निहोत्र भस्म के साथ, ये सब अनार के पेड़, अनार है, नाशपाती है, अमरूद है, केला है, नारंगी है, मौसमी है, संतरा है, केनू है, पपीता है, चीकू है,
खिरनी है, इधर शहतूत है, आड़ू है, आलू बुखारा है, अंजीर है और इमली है, तकरीबन सारे फ्रूट लगाए। सेब जो पहाड़ की फसल है, मेरे यहाँ दिल्ली में लगी हुई है, इस वक्त फ्रूटिंग पर है, काफ़ी बड़े बड़े सेब हैं उस पर अभी वो पका नहीं है, पकने में वक्त लगेगा। ये आड़ू के पेड़ हमने कुछ लुधियाना से लिए थे और कुछ हमने पूसा से लिए थे। ये सर्दियों में लगाया जाता है, ये दिसंबर जनवरी के अंदर लगाया जाता है, दो साल के अंदर इस पर फ्रूटिंग चालू हो जाती है, दिसंबर के अंदर डोरमेंट हो जाता है, फरवरी एंड के अंदर इसके अंदर फल चालू हो जाता है और बहुत सुंदर फल आया है। फूलों से ये डाली भर जाती है, जैसे आलू बुखारे का पेड़ डाली भर जाती है फूलों से, वैसे ही आड़ू के अंदर डाली पूरी फल भर जाती है। कम से कम एक एक पेड़ पर 1000 के करीब 1500 फूल होते हैं, सारे फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं, फल 200-250 बनते हैं। अगर किसान भाई इसकी खेती करेंगे तो ये जैविक है, 100-125 रुपये किलो आराम से बिकता है। जो मार्च में लगाई गई है, घिया है, तोरी है, भिंडी, टिंडा, करेला, मिर्चें, बैंगन, प्याज और मूंग की दाल, लगाई है। यहाँ लोबिया लगा रखा है हमने, टमाटर लगा रखा है और ग्वार लगाई है। सबके अंदर इस वक्त सब्जी लगी हुई है। एक हमारे पास आता है इसका बालम खीरा, खीरा का अचार आपने नहीं सुना होगा, बालम खीरा का अचार भी बहुत बढ़िया होता है। बालम खीरा हर जगह नहीं मिलता, औषधीय अचार है। करौंदा, करौंदे का अचार भी बहुत बढ़िया होता है, करौंदे का मुरब्बा भी बहुत बढ़िया होता है। एक एकड़ के करीब हम धान करते हैं, हम काला धान उगाते हैं देसी, जिसको काला भात कहते हैं, काला नमक भी कहते हैं। ये थोड़ी पुरानी वैरायटी है, देसी वैरायटी है, बहुत अच्छा रहता है, न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है इसमें और ये नुकसान नहीं करता। इसके अंदर विटामिन्स मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हैं और ये दिल्ली में आसानी से नहीं मिलता। किसान भाई इसको उगाकर मुझसे बीज ले सकते हैं, किसान भाई इसको उगाकर 300 रुपये किलो तक बेच सकते हैं इसको, इसकी फसल और धान से ज़्यादा अच्छी होती है। किसान भाइयों, धान बोने का समय आ गया है, धान की बुआई कुछ दिन में चालू हो जाएगी, कई जगह चालू हो भी गई है। धान की बुआई के बाद जब इसका रोपण होगा एक महीने बाद, तो उसके 10-15 दिन बाद हम लोग ये अजोला, आप देखिए, ये हम खेत में फैला देते हैं। ये जो अजोला है ये नेचुरल सोर्स है नाइट्रोजन का, इससे नेचुरल नाइट्रोजन मिलता है खेत को, धान को, और ये टेडोफाइटा ग्रुप का प्लांट है। एक एकड़ के करीब हम धान करते हैं, धान का सीजन चालू होने वाला है, एक हफ्ते बाद बुवाई चालू होगी। हम काला धान उगाते हैं देसी, जिसको काला भात कहते हैं, काला नमक भी कहते हैं। ये थोड़ी पुरानी वैरायटी है, देसी वैरायटी है, बहुत अच्छा रहता है, न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है इसमें और ये नुकसान नहीं करता। इसके अंदर विटामिन्स मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हैं और ये दिल्ली में आसानी से नहीं मिलता। किसान भाई इसको उगाकर मुझसे बीज ले सकते हैं, किसान भाई इसको उगाकर 300 रुपये किलो तक बेच सकते हैं इसको, इसकी फसल और धान से ज़्यादा अच्छी होती है।
नाइट्रोजन का नेचुरल सोर्स है। ये जो है टेडोफाइटा ग्रुप का प्लांट है। इसके अंदर इनाबिना नाम का बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन का नेचुरल सोर्स है और इससे अच्छी बड़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी आती है खेत में। जिस वक्त हम रोपण कर देते हैं खेत के अंदर, उसके 10-15 दिन बाद जैसे ही हमारा धान खड़ा होने लगता है ढंग से, उसके बाद हम इसको खेत में ऐसे ही डाल देते हैं, पानी में इस तरीके से डाल देंगे और पानी में धीरे धीरे अपने आप पूरे फैल जाएगा। उससे क्या होता है, एक तो हमारा पानी भाप बन के नहीं उड़ेगा खेत में से और नेचुरल नाइट्रोजन मिलेगा हमारे खेत को। नेचुरल नाइट्रोजन पोटास फॉस्फोरस सब कुछ मिलेगा इससे। अलग से हम कुछ डालना चाहें तो अलग बात है, पर इससे सब कुछ मिलेगा। और जब हमारी धान की फसल तैयार हो जाती है तो ये खेत के अंदर मिल जाएगा और ये खेत का काम करेगा, खाद का काम करेगा अगली फसल के लिए। अगली फसल में भी खाद की जरूरत नहीं होगी। सफल किसानों से कामयाबी के गुर जानकर आप भी कृषि जगत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियों का आप लाभ जरूर उठाएंगे। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।